Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाकिफ होंगे। मैं हूँ अनीसुल इस्लाम खान और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ सऊदी अरबिया के मक्का मुकर्रमा शहर के रूम में और यहीं से मैं आपको एक तो वीडियो में खुश आमदीद करता हूँ रमज़ान स्पेशल के सीज़न में। जो हमारा सफ़रनामा 0.1 सीज़न स्टार्ट हुआ है, उसी के एपिसोड फोर्थ में फोर्थ या फिफ्थ होगा जो भी, उसमें आप सभी का मैं अपनी तरफ से दिल से इस्तकबाल करता हूँ। कल का दोस्तों जो हमारा ब्लॉग था वो बहुत अच्छे से हमने रिकॉर्ड या शूट नहीं किया, क्योंकि कल हमारी फ़्लाइट थी मुंबई से और जद्दा के लिए। हम उमरा के लिए आए हैं मक्कतुल मुकर्रमा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उमरा कंप्लीट हो गया आज रात में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, तो हमने उमरा कर लिया। और थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं, कल फ्लाइट थी हमारी 3 बजे की, 3:10 की एयर इंडिया एक्सप्रेस से मुंबई से जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। और जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जद्दा का जो लोकल टाइमिंग था 6:35 पे हम लोग किंग अब्दुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड किए। और लैंड करते वक्त ही यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से यहाँ का इफ्तार का भी टाइम था, तो लैंड होते वक्त ही हम लोगों ने प्लेन में ही इफ्तार भी किया। टैक्सी मोड पे प्लेन था और वहाँ पे इफ्तार का टाइम हो गया, इफ्तार भी हम लोगों ने कर लिया। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के डिब्बे के तरफ से ही हम लोगों को जो लंच बॉक्स मिला था वही चीज़ से हम लोगों ने इफ्तार किया। और थोड़ा बहुत हम लोगों के पास भी कुछ चॉकलेट वगैरह। और दूसरी चीज़ बतानी ये थी कि फिर हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे 6:35 निकलते निकलते ऑलमोस्ट बस वगैरह से पहुँच के एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन काउंटर पे पहुँचते वक्त सवा सात तक। तो इमिग्रेशन काउंटर पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि उस समय इफ्तार का वक्त था, तो कुछ स्टाफ काउंटर पे कम थे, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ज़्यादा थी तो थोड़ा वक्त लगा। फिर वहाँ से निकलने के बाद में हमारे एक भांजे साहब यहाँ रहते थे, तो वो टैक्सी लेके पहुँच गए थे सत्ता एयरपोर्ट पे, तो वो फिर रिसीव करके हम लोगों को सत्ता से मक्का के लिए लेके आए। और वहाँ से जद्दा से निकलने के बाद में हम लोगों ने जद्दा मक्का हाईवे पे ही अलबैग लिया और वहाँ से अलबैग भी खा लिया। तो दोस्तों, जद्दा से मक्का जाते वक्त रास्ते में रुके हैं, अलबैग से कुछ लेते हैं खाने के लिए और फिर चलते हैं मक्का। गाड़ी कर दी है वहाँ पे पार्क और यहाँ से ले रहे हैं अलबैग से कुछ खाने के लिए। तो उसके बाद में फिर यहाँ आए अपने अपार्टमेंट में, ये हम लोग का अपार्टमेंट है, यहाँ पे हमने सामान वगैरह रख दिया। दो रूम है, दो क्या दो तीन रूम है यहाँ पे, तो दो में ही हम लोग क्योंकि 6 लोग थे तो तीन तीन बेड लग गया है, 1, 2 और 1 3, तो तीन तीन बेड लग गया था, तीन इस रूम में, बाकी एक रूम में थोड़ा सामान हमारा रख दिया है। तो किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सुकूनत है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हर एक बार से। फिर यहाँ सामान वगैरह रख के हम लोग निकल गए उमरा करने के लिए हरम शरीफ। तो दोस्तों, आज जुमे का दिन है, हम लोग पहुँचे थे यानी जुमे रात वाली, यानी जुमे की रात में पहुँचे हैं, मॉर्निंग में आज जुमा था। तो दूसरी चीज़ें, पहला जुमा अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया, हम लोग यहीं मक्कतुल मुकर्रमा अल्हम्दुलिल्लाह कोई तकलीफ नहीं है, तो हमने यहीं पे जुमा की नमाज़ पढ़ा, असर की नमाज़ पढ़ा और अभी इफ्तार का इफ्तारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अभी निकलना था हरम शरीफ के लिए, लेकिन थोड़ी अभी तबीयत वगैरह, जो मेरी वालिदा वगैरह हैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हैं, तो उनको देखते हुए थोड़ा हम लोग या तो फिर तरावी के लिए निकलेंगे या फिर जैसा होगा वैसे मैं आप लोगों को आगे के वीडियोस में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी यही रूम पे ही इफ्तार का तैयारी चल रहा है, तो चलते हैं उसमें कुछ हिस्सा लेते हैं और इफ्तार को तैयार करवाते हैं और दस्तरखान लगाते हैं और आपसे मिलते हैं इफ्तार के बाद और या तो इफ्तारी पे थोड़ा सा। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, यहाँ पे इफ्तार लग चुका है
और अभी यहीं पे हैं अपने रूम में। और ये यहाँ का एक स्पेशल है लबन। तो दोस्तों इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे स्टार्ट भी किया हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड भी कर दे रहा हूँ। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में या नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में खुसूसी तौर पे अपने इस भाई को याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।